में आपको डिजिटल प्लस एनालॉग इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर देखने को मिल जाएगा, जहां पे आपको स्पीडोमीटर 32 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड देखने को मिल जाती है। सस्पेंशन के बारे में बात करें तो महिंद्रा सेंटेरियो के फ्रंट में आपको 7.2 mm की 18 इंचेस वाला और रियर में 457.2 mm की 18 इंचेस वाला ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाती है। हेलो एवरीवन, दिस इज अंकन रतन, यू आर वाचिंग नाउ अबाउट योर मशीन। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं महिंद्रा सेंटेरियो के बारे में। तो अगर आपको भी एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बाइक चाहिए तो आपको महिंद्रा सेंटेरियो की तरफ एक बार जरूर देखना चाहिए। लुक्स के बारे में बात करें तो महिंद्रा सेंटेरियो आपको एक सिंपल नेकेड स्ट्रीट फाइटर लुक्स में देखने को मिल जाएगी। लुक्स के बाद अगर कलर की बात करें तो बाइक में आपको 3 डिफरेंट कलर देखने को मिल जाती है, जहाँ पे आपको सिल्वर, ब्लैक एंड रेड कलर देखने को मिल जाती है। लाइटिंग्स के बारे में बात करें तो महिंद्रा सेंटेरियो में आपको फ्रंट में LED पायलट DRL के साथ हैलोजन हेडलैम्प भी देखने को मिल जाता है, और उसी के साथ आपको हैलोजन इंडिकेटर्स भी देखने को मिल जाता है। अगर रियर की बात करें तो रियर में आपको LED टेल लैंप के साथ हैलोजन इंडिकेटर्स देखने को मिल जाती है। इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर के बारे में बात करें तो महिंद्रा सेंटेरियो में आपको डिजिटल प्लस एनालॉग इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर देखने को मिल जाएगा, जहां पे आपको स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, टैकोमीटर और फ्यूल गॉज देखने को मिल जाता है, और उसी के साथ आपको लो फ्यूल इंडिकेटर, लो बीम, हाई बीम, इंजन मालफंक्शन और न्यूट्रल लाइट देखने को मिल जाता है। हैंडल बार के बारे में बात करें तो महिंद्रा सेंटेरियो में आपको लेफ्ट हैंडल बार में पासिंग स्विच, लेफ्ट राइट इंडिकेटर, लो बीम, हाई बीम और हॉर्न स्विच देखने को मिल जाता है, और उसी के साथ आपको राइट हैंडल बार में हेडलैम्प ऑन ऑफ बटन और इलेक्ट्रिक स्टार्ट स्विच देखने को मिल जाता है। फ्यूल टैंक के बारे में बात करें तो महिंद्रा सेंटेरियो में आपको 12.7 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाती है, और उसी के साथ 1.2 लीटर की रिजर्व फ्यूल टैंक कैपेसिटी भी देखने को मिल जाती है। माइलेज के बारे में बात करें तो महिंद्रा सेंटर में आपको 70 से लेकर 85 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज देखने को मिल जाती है। इंजन के बारे में बात करें तो महिंद्रा सेंटर में आपको 106.7 सीसी की सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक 2-बल्ब एयर कूल्ड कार्बोरेटर इंजन देखने को मिल जाता है, और उसी के साथ आपको 8.5 पीएस की मैक्सिमम पावर और 8.5 न्यूटन मीटर की मैक्सिमम टॉर्क देखने को मिल जाती है। गियरबॉक्स के बारे में बात करें तो महिंद्रा सेंटर में आपको 4-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन वाला गियरबॉक्स देखने को मिल जाता है, और अगर टॉप स्पीड की बात करें तो महिंद्रा सेंटर में आपको 92 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड देखने को मिल जाती है। सस्पेंशन के बारे में बात करें तो महिंद्रा सेंटेरियो के फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक कॉइल स्प्रिंग और रियर में कॉइल 5-स्टेप एडजस्टेबल सस्पेंशन देखने को मिल जाता है। ब्रेकिंग के बारे में बात करें तो महिंद्रा सेंटेरियो में आपको फ्रंट में डिस्क और रियर में ड्रम ब्रेक की सुविधा देखने को मिल जाती है। टायर्स के बारे में बात करें तो महिंद्रा सेंटेरियो में आपको फ्रंट में 457.2 mm की 18 इंचेस वाला और रियर में 457.2 mm की 18 इंचेस वाला ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाती है। व्हील टाइप के बारे में बात करें तो महिंद्रा सेंटेरियो में आपको एलॉय व्हील देखने को मिल जाता है, और अगर सीट हाइट के बारे में बात करें तो महिंद्रा सेंटेरियो में आपको 800 mm की सीट हाइट देखने को मिल जाती है, और उसी के साथ 173 mm की ग्राउंड क्लियरेंस और 126 kg की कार्बाइड भी देखने को मिल जाती है। एग्जॉस्ट के बारे में बात करें तो महिंद्रा सेंटेरियो में आपको राउंड शेप एग्जॉस्ट देखने को मिल जाता है, और उसी के साथ आपको क्रोम फिनिश एग्जॉस्ट गार्ड भी देखने को मिल जाता है। सीट टाइप के बारे में बात करें तो महिंद्रा सेंटेरियो में आपको सिंगल सीट देखने को मिल जाते हैं, और अगर सीट कुशनिंग के बारे में बात करें तो उसमें आपको अच्छा खासा सीट कुशनिंग देखने को मिल जाता है, पर ये सीट आपको लॉन्ग टूर के लिए एकदम रिकमेंडेड नहीं है। उसी के अलावा बाइक में आपको क्लोज चेन, साड़ी गार्ड, लेडीज फुटरेस्ट और पिलियन के लिए ग्रैब व्हील्स भी देखने को मिल जाता है। और तो और महिंद्रा सेंटेरियो में आपको सेल्फ स्टार्ट के साथ किक स्टार्ट का सुविधा भी देखने को मिल जाता है। प्राइसिंग के बारे में बात करें तो महिंद्रा सेंटेरियो रॉकेट किक एलॉय वाला वेरिएंट आपको 45,320 रुपीस की एक्स शोरूम प्राइसिंग में देखने को मिल जाती है, और उसी के साथ आपको महिंद्रा सेंटेरियो रॉकेट स्टार एडिशन आपको 51,275 रुपीस की एक्स शोरूम प्राइस में देखने को मिल जाती है। महिंद्रा सेंटेरियो एक्सटी वेरिएंट आपको 52,370 रुपीस की एक्स शोरूम प्राइस में देखने को मिल जाती है, और उसी के साथ महिंद्रा सेंटेरियो NXT आपको 56,435 रुपीस की एक्स शोरूम प्राइसिंग में देखने को मिल जाती है, और उसी के साथ लास्ट वेरिएंट महिंद्रा सेंटेरियो डिक्स वेरिएंट आपको 57,275 रुपीस की एक्स शोरूम प्राइसिंग में देखने को मिल जाती है। सो आई होप कि मैं सारी टॉपिक अच्छे से कवर कर पाया हूँ। फिर भी अगर कोई टॉपिक रह गया हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स पे बता देना। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल पे नया हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और अगर आपको बाइक से रिलेटेड ऐसी वीडियोस देखना पसंद है तो आप बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रख सकते हो, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो फिर मिलेंगे और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।